सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आयान। सो आज हम करेंगे कैनन ईओएस 1500D का अनबॉक्सिंग एंड ओवरऑल फुल रिव्यू करेंगे। एंड आज हम जानेंगे कि इस कैमरा को क्यों बजट फ्रेंडली एंड एंट्री लेवल DSLR कहा जाता है, एंड इस कैमरा के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलता है एंड क्या क्या फीचर्स नहीं मिलता है, वो हम आज आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चलिए अभी इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इस बॉक्स को मैंने पहले से अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैंने इस कैमरा को ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया हूँ एंड इसलिए कुछ वारंटी इश्यूज के लिए मुझे अनबॉक्सिंग करना पड़ा। तो चलिए अभी इसे ओपन कर लेते हैं एंड जैसे कि आप देख सकते हो, इस बॉक्स के अंदर बुक्स वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने उसे हटा दिया, क्योंकि उसे कोई पढ़ता नहीं है इसलिए मैंने उसे हटा दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे इसके साथ सनडिस्क का अल्ट्रा 16GB SD कार्ड मुझे मिला है। एंड अभी इसे कर देते हैं साइड एंड और क्या क्या मिला है वो हम लोग देख लेते हैं। एंड आप देख सकते हो, इसके साथ हमें मिला है एक बैटरी चार्जर एंड बैटरी केबल्स, तो इसे भी कर देते हैं साइड। एंड उसके साथ हमें मिलता है एक 860mAh बैटरी एंड ए 6.36W लियोन बैटरी के साथ आता है। एंड आप इस बैटरी को आप एक बार फुल चार्ज करने पर आप 300 से 400 तक का फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड इस बैटरी को कर देते हैं साइड एंड अभी देख लेते हैं इसके साथ जो हमें मिलता है EFS 18x55mm किट लेंस। जैसे कि आप देख सकते हो, इस किट लेंस में आपको स्टेबलाइजेशन एंड ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस ऑन करने के लिए आपको बटन्स देखने को मिलता है, तो आप इस लेंस से आप वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी आप दोनों ही कर सकते हो। एंड आप अगर इस लेंस का पोर्ट्रेट फोटोग्राफी देखना चाहते हो तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। सो अभी के लिए कर देते हैं इसे साइड एंड अभी देखते हैं इस बॉडी का जो मेन पार्ट है उस पार्ट को कर लेते हैं ओपन एंड देखते हैं इस बॉडी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलता है हमें। तो बॉक्स को कर देते हैं साइड एंड इस ओपन कर लेते हैं हम लोग इस कैनन 1500D को। एंड उसके साथ आपको मिलता है एक स्ट्रैप एंड स्ट्रैप के ऊपर आप देख सकते हो कैनन की जो ब्रांडिंग लोगो लगा है। तो चलिए अभी जान लेते हैं इस कैमरे के अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है एंड क्या क्या फीचर्स अवेलेबल नहीं है एंड क्या क्या हमें बटन्स कंट्रोल देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कैनन की एक ब्रांडिंग लोगो आपको दिखाई दे रही है एंड इस साइड आपको EOS कैनन 1500D का लोगो लगा है। तो चलिए अभी जान लेते हैं इस कैमरे के अंदर कितना मेगापिक्सल एंड किसका सेंसर लगा है। इस कैमरे के अंदर 24.1 मेगापिक्सल एंड सीमो सेंसर आपको मिलेगा एंड इस कैमरा से आप 6400 तक आप ISO बूस्ट कर सकते हो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। इसके बाद आप इस कैमरा से आप 3 फ्रेम पर सेकंड में आप फोटो कैप्चर कर सकते हो, मतलब इस कैमरा से आप 1 सेकंड में आप 3 फोटो कैप्चर कर सकते हो एंड इस कैमरा से आप EOS मूवी फुल HD आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड इसके साथ आपको मिलता है Wi-Fi एंड NFC। तो चलिए जान लेते हैं इसका बटन्स कंट्रोल क्या क्या मिलता है हमें। जैसे कि आप देख सकते हो, इस कैमरे के ऊपर साइड आपको ऑन ऑफ के बटन्स आपको देखने को मिलता है एंड आपको इस साइड आपको शटर बटन एंड इस साइड आपको ऑन ऑफ के आपको बटन्स देखने को मिलता है एंड इस साइड आपको बहुत सारा मोड्स आपको देखने को मिलता है, मैनुअल मोड, ऑटो मोड, आपको बहुत सारा मोड आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको इस साइड आपको देख सकते हो आप बहुत सारा बटन एंड इसका जो बटन क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही स्मूथ है बटन्स कंट्रोल। आपको यहाँ पर मेनू एंड व्यू फाइंडर देखने के लिए, जूम ऑफ जूम आउट करने के लिए आपको बहुत सारा बटन्स आपको देखने को मिलता है एंड इस साइड आपको आप देख सकते हो, आपको इस रेगुलेटर को घुमा के आप ISO एंड शटर स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड आपको इस साइड आपको छोटा सा आपको एक स्पीकर आपको देखने को मिलेगा एंड उसके बाद आपको इस साइड आपको देखने को मिलेगा आपको माइक्रो SD एंड HD पोर्ट आपको एंड HDMI पोर्ट आपको देखने को मिलेगा एंड इसे कर देते हैं बंद। एंड अभी देखते हैं इस साइड क्या है, इस साइड कुछ भी नहीं है एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हो इस साइड आपको ट्राईपोर्ट के पॉइंट आपको देखने को मिलता है एंड ट्राईपोर्ट के साइड आपको मिलता है आपको SD कार्ड एंड आपको बैटरी इंपोर्ट करने के लिए आपको पॉइंट मिलता है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस साइड आपको SD कार्ड डालने के लिए आपको पॉइंट मिलता है एंड इस साइड आपको बैटरी डालने के लिए आपको पॉइंट मिलता है। तो चलिए अभी कर लेते हैं SD कार्ड को इंपोर्ट। SD कार्ड को कुछ आपको इस तरीके से आपको पकड़ना होगा, पकड़ने के बाद आपको थोड़ी आपको इस तरीके से आपको प्रेस करना होगा, प्रेस करने के बाद आपका SD कार्ड इंपोर्ट हो जाएगा
फिर कर लेते हैं बैटरी को इंपोर्ट। बैटरी को आपको कुछ इस तरीके से आपको पकड़ना होगा। पकड़ने के बाद आपको कुछ सही से आप देख ले, आप इसे आप थोड़ी आप इसे भी आप धीरे धीरे आप प्रेस करें। प्रेस करने के बाद कर लेते हैं अभी शटर को बंद। एंड हमारे जो बैटरी एंड एसडी कार्ड था वो ऐड हो चुके। एंड अभी करते हैं लेंस को ऐड। तो इसलिए ढक्कन को ओपन करना होगा लेफ्ट साइड घुमा के। एंड लेफ्ट साइड घुमा के आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है आपको मिरर, जो अंदर जो डीएसएलआर के जो मिरर होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। फिर आपको लेंस का आप कैप को आपको आपको राइट साइड आपको घुमा के आप इसे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको इस साइड आपको दिखाई दे रही है आपको वाइट डॉट। एंड इस साइड कैमरा के साथ आपको दिखाई देगा आपको वाइट डॉट का आपको मिसा के आपको लेंस को आपको लगाना होगा कुछ इस तरीके से। आप वाइट डॉट को एंड वाइट डॉट के साथ आप इसे ठीक इस तरीके से आपको आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपको राइट साइड आपको घुमाना होगा और घुमाने के बाद आप सिंक आपको साउंड आएगी। साउंड आने के बाद इसे कैप को ओपन कर ले प्रेस करके। प्रेस करने के बाद हमारा जो कैमरा है वो रेडी हो चुकी है ऑन होने के लिए। तो अभी चलिए इसे ऑन करते हैं एंड कुछ सैंपल फोटो क्लिक करते हैं। तो अभी कैमरा को कर देते हैं ऑन। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको बहुत सारा आपको मोड्स दिखाई देगी आपको ए बी एंड मूवी मोड एंड टीवी मोड एंड पी मोड एंड बहुत सारा मोड आपको आपके लिए एक अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। मैनुअल्स मोड में आप बेस सेटिंग में आप फोटो कैसे खींचे। एंड इस साइड आपको दिखाई देती है व्यू फाइंडर बटन। इस बटन को क्लिक करके आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आप डिस्प्ले पर आप देख सकते हो। एंड इस साइड आपको जूम इन एंड जूम आउट के लिए आपको बटन्स देखने को मिलता है। एंड इस साइड आपको दिखाई देती है आपको प्लस ऑन करने के लिए आपको बटन्स देखने को मिलता है। आपको प्रेस करने से आपको प्लस जो ऑन हो जाएगा। एंड इसे बंद करने के लिए आपको मैनुअली आपको बंद करना होगा कुछ इस तरीके से। इस कैमरा के अंदर एक माइनस पॉइंट ये है कि आप इस कैमरा के ऊपर आप अलग से आप प्लस ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर जो पिन मिडिल पिन होता पॉइंट्स और नहीं रहता है। इसलिए आप नहीं तो आप अलग से आप लगा सकते हो प्लस, लेकिन आप डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते। एंड ओवरऑल इसका जो हैंड फील है वो बहुत ही अच्छा है। एंड इसका ग्रिप भी बहुत ही अच्छा है एंड थोड़ी लाइट वेट भी। ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट के अंदर बेस्ट DSLR कहा जा सकता है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो आपको 30K आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में। एंड नहीं तो आप अगर ऑफलाइन में परचेस कर तो थोड़ी आपको कम ज़्यादा मिल जाए। मैंने तो ऑफलाइन परचेस किया था इसलिए मुझे 27K में मुझे मिल गया था। तो चलिए अभी आउटडोर में जाके कुछ इसका फोटो सैंपल लेते हैं। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड मुझे जिस पार्ट को मुझे मिस हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड प्रेस दिस सब्सक्राइब बटन, हिट दिस बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।